हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे अग्रवाल 420 इंस्टेंट मिक्स पैकेट से इडली की रेसिपी। आप इस पैकेट से बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फूली इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म पीनट कोकोनट चटनी के साथ या सांभर के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। सभी को ये इडली बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे अग्रवाल 420 इडली का ये पैकेट। ये 200 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 42 रुपीज है। इसके पीछे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। पैकेट को कट कर लेंगे और इडली का जो सारा मिक्सर एक बर्तन में निकाल लेंगे। 320 ml पानी लेंगे। पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इडली का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ये बैटर अच्छे से फूल कर तैयार होगा। बचा हुआ सारा पानी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इडली का बैटर बनकर तैयार है। अब इसे यहाँ पर ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए यहाँ पर इडली के बैटर को सेट होने देंगे। दूसरी तरफ इडली बनाने की प्लेट लेंगे। आप इसमें घी या तेल इस तरह से अच्छे से लगाकर पहले से रेडी कर दें। इसी तरह से हम सारी प्लेट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 10 मिनट बाद ये देखिए बैटर काफी अच्छे से फूल चुका है। दोबारा इसे हम अच्छे से चला देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इडली का जो बैटर एकदम चिकना बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं इडली बनाने के लिए। इडली की हर एक प्लेट में 2-2 टेबल स्पून इडली का बैटर फिल कर देंगे। आपको ऊपर तक इसे फिल नहीं करना है, थोड़ी सी प्लेट खाली रखना है जिससे कि इडली बनने के बाद ये फूलती है, तो थोड़ी सी जगह आप इस तरह से खाली रखें। इडली का बैटर जब इस तरह से फिल कर दे तो प्लेट को थोड़ा सा इस तरह से हिला दे जिससे कि बैटर चारों तरफ से बराबर हो जाए। इसी तरह से इडली की सारी प्लेट फिल करके तैयार करेंगे। दूसरी तरफ इडली स्टैंड में 1.5 कप पानी को जब इस तरह से बॉईल कर ले तब हम इसमें इडली की जो प्लेटें हैं रख देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 3 प्लेट रख देते हैं और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसे ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर 15 मिनट इडली को भाप में पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। अब इडली को हम एक चाकू की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए जब चाकू इस तरह से एकदम क्लीन निकल आए तो इडली यहाँ पर बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इडली की प्लेट को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब यहाँ पर इडली ठंडी हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। इडली यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हो गई। अब इस तरह से आप किसी चाकू या चम्मच से इस तरह से निकाल लें। ये देखिए बहुत ही आसानी से इडली निकल आई। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फूली एकदम जाली जैसी सॉफ्ट ये इडली बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से मैं आपको दूसरी इडली भी निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं सारी इडली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फूली बनकर तैयार है। ये देखिए सारी प्लेट की इडली यहाँ पर निकाल ली है। इडली एकदम सॉफ्ट और एकदम मार्केट जैसी ये बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। एकदम जाली जैसी ये इडली बनी है और इस पैकेट से इडली बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप इसे पीनट कोकोनट चटनी या गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व करें। सभी को ये इडली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम पर बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस इडली की रेसिपी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।